केस स्टडी पढ़ेंगे हरियाणा का, वो टाइमिंग का था 1982 से लेकर 1987 में। 92 में किसका गवर्नमेंट था? कांग्रेस का, और कांग्रेस का वहाँ पे मुख्यमंत्री था हरियाणा में, ठीक है। देवीलाल भी कांग्रेस के एक सदस्य थे, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण, कुछ बातें नहीं मानने के कारण वहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और वो कांग्रेस को छोड़ के अलग पार्टी बना ली। उनका डिमांड नहीं माना गया तो वो अलग पार्टी मान ली। जो चौधरी देवीलाल थे वो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट थे। क्या थे? हरियाणा संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट थे। तो वो अलग, कांग्रेस से अलग हो गए, एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया लोकदल। क्या नाम रखा गया? लोकदल। और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने लगे, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ ही इलेक्शन कंटेस्ट करने लगे। कांग्रेस के खिलाफ, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ ही इलेक्शन पास कर लिया। और उन्होंने इलेक्शन कंपेनिंग में, यानी इलेक्शन प्रचार में लोगों से प्रॉमिस किया, अगर मेरी सरकार आती है, अगर मेरी सरकार बनेगी, चौधरी देवीलाल की सरकार बनेगी, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा सरकार बनने के बाद, जितने भी पुअर फार्मर है, कौन पुअर फार्मर है, उसके लोन माफ कर दूंगा, कर्ज माफ कर दूंगा। साथ ही साथ जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी है, उनका भी कर्ज माफ कर दूंगा। तो वो हर कंपेनिंग में अपना यही भाषण करते थे और लोगों से प्रॉमिस दिलाते थे, उनको याद करते थे, मेरी सरकार बनती है आप हमें वोट कीजिए और मेरी सरकार बनेगी, और मैं सत्ता में आया तो सबसे पहले काम क्या करूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा, और जो छोटे छोटे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनके लोन को माफ कर दूंगा। लोगों ने कहा कि कांग्रेस उब गया, कांग्रेस अब खराब सरकार है, जो चौधरी देवीलाल है वो अच्छे आदमी है, शायद वो मेरी, हम लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लोग अट्रैक्ट हो गए जैसे किसकी तरफ? चौधरी देवीलाल की तरफ। जब इलेक्शन हेल्ड हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़ के एक तरफा वन साइडेड वोट किसको किया? चौधरी देवीलाल के पार्टी को। पार्टी का क्या नाम था? चौधरी देवीलाल का लोकदल। क्या नाम था? लोकदल। तो चौधरी देवीलाल अकेले इलेक्शन नहीं लड़े थे, उनके साथ छोटी छोटी 8 पार्टियां और आ गई थी, ज्वाइन कर लिया था उनको, स्मॉल एलाइजेस, छोटी छोटी स्मॉल एलाइजेस ने लोकदल को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लोग ने किसके फेवर में वोट किया? चौधरी देवीलाल और उनके जो सपोर्टर थे उनको वोट करके इलेक्शन में जीत दिला दिया। तो टोटल इलेक्शन सीट था 90, हरियाणा में कितना सीट था? 90। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? हाफ से एक ज्यादा, यानी कि 45 हाफ होगा प्लस 1, 46 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 46 सीट चाहिए। जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो लोकदल और उसके जो एलाइज थे, सपोर्टर थे, उनको कितना सीट मिला? 76। रिमेनिंग कितना रह गया? 40 रिमेनिंग रह गया ना जी। इस रिमेनिंग में कांग्रेस बेचारा को 5 सीट आया, कितना आया? 5। बाकी 9 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि निर्दलीय जीत गए। सोचो कांग्रेस कितना बुरा हाल हो गया। और चौधरी देवीलाल जैसे ही गवर्नर ने इनको डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, गवर्नर का रूल होता है, राज्यपाल का नियम होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है यानी कि मेजोरिटी पार्टी, उसको न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं, किस लिए? सरकार बनाने के लिए। ये रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी बड़ी पार्टी होगी सबसे पहला वर्क कौन करेगा? गवर्नर उसको इन्वाइट करेगा कि आप आइए और सरकार बनाइए, आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा, 10 दिन आप सरकार का गठन कीजिए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अगर ऐसा करने में फेल होता है वो पार्टी, तो फिर उससे छोटी वाली पार्टी को मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मेजोरिटी में कौन आया? लोकदल। लोकदल का टोटल कितना है? 76। इसमें इसके साथ एलाइज भी था, तो अकेले लोकदल को 60 सीट आया। कितना आया? 60 सीट आया लोकदल को, और उनके एलाइज कितना आया? 16। तब ना 76 होगा। जैसे बिहार में बीजेपी को 74, जदयू को 37, दोनों मिला के बनाया ना, उसी तरह लोकदल को 16 और एलाइज को 16, दोनों मिला के 76 हो गया, ठीक है। तो चाहिए था 46, लोकदल को कितना आ गया? 60, यानी ये मेजोरिटी में आ गए। तो इनवाइट किया लोकदल को और चौधरी देवीलाल वहाँ के मुख्यमंत्री बने। कब बने? 1987 में। कब बने मुख्यमंत्री वो? 1987 में हरियाणा के। और मुख्यमंत्री बनने के 3 से 4 दिन में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, लोन माफ करने वाला, कर्ज माफ करने वाला, 3-4 दिन में मुख्यमंत्री बनने के 3-4 दिन के बाद ही
चौधरी देवीलाल ने क्या किया, एक एक्ट पास कराया संसद विधानसभा में, और जितने भी फार्मर लेबर छोटे बिजनेसमैन का जो कर्ज था बैंक का वो माफ कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। लोग काफी खुश रहे और चौधरी देवीलाल ने अपना पूरा टर्म पूरा किया, यानी पूरी जो 5 साल की गवर्नमेंट है तो उन्होंने 4 साल पूरा किया। जब इलेक्शन में 1 साल बचा हुआ था तो वो कंपेन करने गए तो वो अनपॉपुलर हो गए। 1991 में चौधरी देवीलाल लोग भर काफी अनपॉपुलर हो गए इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उस समय राजीव गांधी की कंपेनिंग ज्यादा बेटर थी, उनसे ज्यादा राजीव गांधी की, और राजीव गांधी के आंधी में बेचारे लोक दल भी गायब हो गए। और जब इलेक्शन हेल्ड हुआ 1991 में तो कांग्रेस वापस आ गई सत्ता में हरियाणा में, किसके बदौलत? राजीव गांधी के बदौलत। और 1990 इलेक्शन में कुछ दिन के बाद राजीव गांधी भी मारे गए, ठीक है, और राजीव गांधी कंपेनिंग के थ्रू वो वापस आ गए। तो ऊपर का एक केस स्टडी है जो रेड वाला बॉक्स में है ना, रेड वाले बॉक्स में, उसमें लिखा गया है कि हरियाणा में लिखा गया कुछ लोग 25-50 लोग रोड के किनारे माला लेके खड़े हैं और समय हो रहा है मिडनाइट, यानी कि 12 बज रहे हैं रात, और किसके इंतजार में खड़े हैं? चौधरी देवीलाल के इंतजार में कि चौधरी देवीलाल आएंगे, फार्मर लोग खड़े हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।